नकी अलैहिस्सलाम जहाँ कैद हुए थे, ये सामरा के पास बिल्कुल जगह है, उधर हम जा रहे हैं, ये उसका रास्ता है। मोमिन किराम जो ज़ायरीन पाकिस्तान से आते हैं सामरा की जानिब, तो उनसे गुजारिश है कि हार्डली 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का कैद खाना आप देख सकते हैं। यहाँ पर आए, देखें कि इस मजलूम इमाम को किस तरह बादशाह वक्त मुतवक्कल ने कैसे कैद में रखा, और वो कौन सी जगह थी, वो कुआं जिसमें इमाम कैद रहे हैं वो कैसा था, कौन सी जगह थी और किस हालत में उन्होंने रखा। और कैद खाना ये है, कसर उसका आगे है, महल जो है कसर है उसका महल है। और यहीं पे जो वाकया मिलता है शेरों वाला कि दरिंदे, जंगली दरिंदे छोड़ दिए गए इमाम के आगे भूखे रख करके, वो इमाम को तोबान बिला कहीं नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो भी यहीं पे मौजूद है, देखेंगे उसकी भी। और अभी हम गाड़ी से उतरते हैं और आपको वहां की वो आपको ज्यारत करवाते हैं। उधर उधर जाना है, बैठो उधर। हाँ ओके, दौड़ते बनाई थी वीडियो। हाँ जी, खमसा हाँ काफला है। 2019 में गालिबन, हाँ यकीनन, बल्कि 2019 में फर्स्ट टाइम मैं सैयद फखर अब्बास, सैयद वसीम अब्बास और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, तो उस वक्त हमने ये वीडियो अपलोड भी की अपने यूट्यूब चैनल एफ के स्टूडियो पे, और उसके बाद फिर काफी सारी वीडियोस इस कैद खाने की दीगर मोमिनीन कराम ने भी अपलोड की। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि लोग सामरा से हरम से होकर वापस चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे भी यहाँ देखिये अपने इमाम की मजलूमियत, और देखिए इमाम को कैसे यहाँ पे कैद किया गया और कौन सी तंगो तारीख जगह थी। ये हम उसी की तरफ अब जा रहे हैं, आपके सामने बातिल का निशान मिट गया लेकिन आज भी जिंदा है। ये तो हमारे लिए आज सीढ़ियां हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये तो आपको आज सीढ़ियां यहाँ पे नजर आ रही हैं, तब क्या था कैसे था बल्ला वाला। ये देखें कितनी 4-6 सीढ़ियां, 50 के करीब सीढ़ियां नीचे उतर के जा रहे हैं नीचे संगोतरी जगह। कुछ पाकिस्तानी दायर भी लगा रहे हैं यहाँ पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस उसमें पहले बस लाना क्या कह पाएगा।
मतवक्कल पर लानत बेशुमार। या मेरे मौला, ये पता नहीं मेरे ख्याल में मुझे यहाँ से कुछ पीने के लिए या वजू के लिए आई थिंक मुझे जो अरबी लग रही है वो ऐसी किस सुराग से इस जगह से दिया जाता था। खुदा अल्लाह मतवक्कल और उसकी तमाम फॉलोअर्स के ऊपर लानत करे और उनको दोजर में आखिरी तबके पर रखे। जिस तरह मजलूम इमार को उसने कैद में रखा, इसी तरह इस गड़े में, दोजर के गड़े में उसको रखे। अब मोमिन इकराम, मैं अपना गिरिया और अपने जज्बात इस वक्त आपको बयान नहीं कर सका, नहीं कर पा रहा कि वो कुआं देखकर मेरी क्या फीलिंग हुई। आज ये इस तरह से उस वक्त पता नहीं किस हाल में होंगे। और ये जो आपके सामने एक आपको ये मंजर नजर आ रहा है, ये बताते हैं कि शायद ये वो जगह है जहां पर भूखे शेरों को और अस्तबल कायम लग रहा है, यहाँ पे छोड़ा गया। और यहाँ पे वो मुख्तलिफ आपको दर नजर आ रहा है, यहाँ पे वो देख जानवरों का तमाशा देखा करता था। और गालिबन शायद यहीं पे उसने भूखे शेरों को भी छोड़ा, और यहाँ अस्तबल, इन दोनों में से कोई एक जगह जरूर है इनमें से। और ये इन जगहों पर देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आती, आपको बुरा महसूस होता है, बुरा फील होता है कि ये जुल्म की जगह है, ये मौला के ऊपर यहाँ पे जुल्म किया गया। ये मतवक्कल ने एक छौनी बनाई हुई थी, लानत पेशमार, और उस लानती ने उस छौनी में इमाम को नजरबंद किया हुआ था, कैद किया हुआ था। और सिर्फ और सिर्फ ये था कि कहीं पे मोमिनीन कराम के दिल, उनके दिल जो है वो कहीं इमाम के और करीब ना हो जाए, और उनको हर वक्त अपनी निगरानी में रखा हुआ था। मौला लानत करे दुश्मन अहले बैत के ऊपर, मौला लानत करे दुश्मन अहले बैत के ऊपर। अब ये न जाने इस तरह की कितनी सुरंगें थी, अल्लाह जाने कितनी सुरंगें होंगी, इस तरह की कितनी जगह होंगी जहां पर मुख्तलिफ, ज्यादातर तो ये कैदी इसने कहां से बना थे, मवालियन अहले बैत और मवालियन हैदर करार और सैयदजादों को कैद किया हुआ यहाँ पे भी हर जगह पे। तो मोमिन, मैं आपको दोबारा से एक दफा गुजारिश करता जाता हूँ, जो लोग सामरा तक पहुंच गए हैं वो कम से कम यहाँ पर 10 मिनट की मुसाफत पर अपने इमाम को कुर्सा देने के लिए इस कैदखाने में जरूर आने, देखें एक दफा इमाम की मजलूमियत क्या है और किस हाल में और किस जगह पे रखा गया। वसीम भाई को बोला था इसके अंदर कैमरा करके दिखा कितनी जगह है। मैंने कैदखाने के बारे में बहुत सुना देखा, लेकिन ये अजीब कैदखाना है कि कुएं के अंदर किसी को कैद किया गया हो। लान बेशुमार दुश्मन अहले बैत के ऊपर, कायनात के जो वारिस हैं, कायनात के जो शहंशाह हैं, उनको किस अजियत के साथ कैद किया गया। खुदा गारत करे ऐसी नस्लों को। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरा रास्ता है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। दुश्मन ने अहले बैत पर लानत बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद। ये ऊपर का ओवरव्यू है, ये खुद ही अंदाजा लगा लें इसकी हाइट का।
कि खंडराज अभी आपके सामने है। इस जगह के बारे में यही सुना हुआ है, यहाँ पे ये लांती अपने घोड़े जो जानवर वगैरह होते थे ये उसके लिए यहाँ पे बांधता होता था अपने जानवर और घोड़े वगैरह। मतलब कलबासी थे लानत बेशमार। हाय हुसैन, हाय हुसैन।